अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जैसा कि प्यारे व्यूअर्स आपको तीसरा दिन मैं कह रहा हूँ, मेरी तबीयत वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज मैं जा रहा हूँ इंडस अस्पताल दिखाने के लिए। तो ये जैसा कि ये इंडस का मैंने कार्ड भी लिया हुआ है। ये इंडेक्स का कार्ड है, अभी जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे अस्पताल वहाँ जाता हूँ, देखो अब क्या होता है। और बिल्कुल ही अकेला जा रहा हूँ क्योंकि सब काम करने वाले हैं, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। उम्मीद करूँगी मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपने तमाम देखने वाले भाई बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे वीडियो शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम भाई बहनों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो मेरे भाई बहनों ने करनी है मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच और अच्छे अच्छे से प्यार प्यार से कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो आसिफ और आकिब जो है ना फिलहाल खेल रहे हैं। तो तुम दोनों यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? फट ना जाए। आप ही आप क्या कर रही हैं? आप ही से ये दोनों बैठे हुए हैं, कब से खुला एक भी नहीं जा रहा। बस करे हुए, आप ही फट जाएगा। तुम खुला दो, दे मुझे नहीं ताकि तुम सारे ब्रोंस को। इसको धागे से, वो रबड़ होती है इसकी, वो नहीं लाया आसिफ। रबड़ कहाँ पे? रबड़ मैं नहीं लाया, कल लूंगा। रबड़ कल लेगा ये। कल थोड़ा ना देंगे, साथ ही देते हैं इसकी। कैसे बांधे अब इसको? धागे से बांधे। धागे से भी हो जाएगा। आप ये कब से बांध रही है? लेकिन एक भी नहीं बंदा बिठान दे, जल्दी आ जल्दी करें। मैं नहीं दूंगा अब, एक एक बलून दे दो, एक। बस ला इसको, दो तीन बलून तो हमने ऐसे ही फाड़ दिए और ये एक बलून दिया है। ये धागा है। पक्का इसे हवा नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, सही से बांधेंगे ना नहीं निकलेगी गठान। सही से बांधना तो मशीन की है। हाँ। मशीन से निकाल के ये पंप जो है ना ये लॉटरी से निकाल के आया ना? नहीं, फिर कहाँ से? लॉटरी लिए, उसमें से पैसे निकले हैं। खरीद के आया? हाँ। सही? ये देखिए आप ही ना कब से इसके साथ खेल रही हैं। बलून जो ये ली की लाए, खराब हैं सारे, फट रही हैं। आसिफ तुम मदर से नहीं जाओगे? जाऊंगा, अभी टाइम नहीं हुआ। तो सारे बलून एक दिन में खत्म करोगे? नहीं। ये बलून फुलाया मैंने, धागे से बांधा मैंने और ये देखो आसिफ छीन के ले गया। हाँ आगे ले लो, आपका दो। थैंक यू, ये मैंने आकिफ को दे दिया।
और ये दोनों ना इतनी तेज धूप है, इतनी गर्मी है, और गर्मी में ना बाहर बैठे हुए थे कब से। बलून गया। वो हॉस्पिटल से वापसी आ गए? जी बेटा, हॉस्पिटल से होके वापस आ गया हूँ। और हॉस्पिटल में दिन कैसा गुजरा? बस डॉक्टर ने इधर से उधर दौड़ाया, उधर से इधर दौड़ाया। कौन सी मशीन में लेटाया? मशीन में नहीं लेटाया, उन्होंने बोला कि जी अपना उसका मलेरिया का टेस्ट कराओ और कोरोना का टेस्ट कराओ। मैंने बोला कोरोना की तो वैक्सीन हो गई है, तो जो है ना कहने लगे कोरोना की अगर वैक्सीन हो गई है तो उससे कोविड का ज्यादा खतरा होता है। अच्छा, तो जो है ना आप कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। तो टेस्ट करवाया? नहीं, फिर वो मैंने कहा नहीं, मुझे उसका मलेरिया का टेस्ट करवाना है। तो मलेरिया की उन्होंने मुझे डेट वगैरह दे दी कि जी 2 तारीख को आना है। अच्छा, अभी जो पहली आएगी ना, आज क्या तारीख है, 2 तारीख को जाना है शाम को 5 बजे। जिस भाई बहन को मुझे मिलना है वो इंडस में होगा इंशाल्लाह। तो इंडस में अब्बू को मिलने आ जाना। जो मेरे से मोहब्बत करता है तो वो इंडस में अस्पताल में आके मेरे पास जो है ना 2 तारीख को शाम को 5 बजे जो है ना मैं इंडस अस्पताल में होगा। तो कोरोना का उन्होंने बोला कि जी एमरजेंसी में चलो, एमरजेंसी वाले ओपीडी में, ओपीडी वाले फिर एमरजेंसी में, ऐसे ही दौड़ाते रहे। और उसके बाद फिर मैं गया आईने में जाके मैंने फिर कोरोना का टेस्ट करवाया। तो कोरोना का टेस्ट करवा के क्या फील हुआ? बहुत ही उलझन हुई, जब इतनी सी बड़ी सी ऐसे उठाई नाक में घुसाई। नाक में जलन होती है ना? अजीब सी सनसनाहट सी हो रही थी नाक में घुसाई। पहले मैंने मास्क नीचे उतारा, बोला मास्क पहने रहो नाक से उतार दो। अच्छा, मैंने फिर नाक से उतारा, बातें करा तुझे घुसे ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग, एकदम से डाल देते हैं। अगर वो सबर करेंगे तो फिर हम लोग भाग जाएंगे फिर से। अजीब सा फील। अब देखो कोरोना का टेस्ट कैसा आता है, तो अल्लाह करे नेगेटिव आए, क्लियर आए, मतलब के मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है। और तुमने क्यों फूंक मार के गुब्बारा फोड़ा? तुम्हें मैंने बोला ना आराम से खड़े रहो, डोरी क्यों खा रहे हो, डोरी क्यों खा रहे हो, खाना नहीं मिला तुम्हें? तो आसिफ चला गया और आया, आसिफ के ब्लून्स जो है ना सारे फोड़ रहा है। खाना नहीं मिला? इतनी गुस्सा नहीं, पता है तुम्हारी एक बात और? क्या? तुम्हारी कुप्पो भी साथ गई थी जब गया था ना। हाँ। तो अकेला जा रहा था। हाँ। तो तुम्हारी कुप्पो रास्ते में मिल गई। हाँ। तो कहने लगी अकेले क्यों जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। फिर उसको साथ लेके गया और मजे की बात बताऊ। हाँ। एक तरफ का तुम्हारी पुप्पो ने कह रहा है। हाँ? हाँ। एक तरफ का आपने, एक तरफ ने पुप्पो ने, पुप्पो का पुप्पो ने दिया। असल में मैं बैठा हुआ था मर्दों की तरफ और तुम्हारी पुप्पो बैठी हुई थी औरतों की तरफ बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम्हारी पुप्पो से बार बार मांग रहा था, फिर पुप्पो ने दे दिया उसको। एक तरफ का तुम्हारी पुप्पो ने दिया, फिर एक तरफ का वापसी का मैंने पुप्पो तुम्हारी को बोला, मैंने कहा पैसे ले जाओ तुम अपने, उसने मना कर दिया कि नहीं जी, फिर चली गई। तो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे तुम्हें? हाँ। मेरी तबीयत बेहतर हो जाना फिर तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे, फिर जिगर के टेस्ट वगैरह करवाऊंगा, फिर दिखाऊंगा डॉक्टर में। चलो ठीक है। तो बेटा मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर तुम्हें भी लेके जाऊंगा दिखाऊंगा, जैसे तुम्हारे आसिफ के भाई की उसकी भी तबीयत खराब है, उसे भी सांस का मसला हो रहा है, आरिफ को भी हो रहा है सांस का मसला। तो आरिफ को तो अभी दिखाया है ना उसको? हाँ, उसका दिखाया, उसका कोर्स बताया, उसका उसने बोला है, डॉक्टर ने बोला है कोर्स करना है। लेकिन अभी वही मसला चल रहा है कि पैसों का भी मसला चल रहा है, पैसे आएंगे तो दिखाएंगे। 60,000 तो पता है पानी का बोर खा गया। हाँ, 60,000 बोर खा गया। अब इस बार जो है ना हम लोग जीरो होके बैठे हुए हैं, कोई नहीं, अल्लाह ताला कहीं से देगा। कहाँ से देगा, दरख्त तोड़ के लाएंगे, ऊपर से आएंगे, बारिश होगी। चलो अल्लाह मियाँ ऊपर से भी बारिश कर दे पैसों की। तो जैसा कि कल परसों वाले दिन तुम लोगों ने दाल भी बाल के खाई थी। हाँ, हम लोगों ने। अच्छी लगी थी उतनी दाल? नहीं। तुम तो बड़ी चलाक निकली ना, तुमने तो पॉपकॉर्न लेके खा रही थी। हाँ, मैं पॉपकॉर्न लेके खा रही थी। तो ये इसने चलाकी की, इसने पॉपकॉर्न लिए शाम को वो खा लिया। पता नहीं इसने दाल खाई या नहीं खाई, मैंने तो वही उबली हुई दाल खा ली। मैंने दाल नहीं खाई, दाल अब्बू ने और अम्मी लोग ने, भाइयों ने खाई।
तो अबू ये आरिफ की दवाएं हैं जो डॉक्टर ने दी है। हाँ बेटा ये आरिफ की दवाइयाँ हैं, कलाइरी सेट पता नहीं क्या नाम है इसका, ये दवाई भी बहुत ही महंगी है पता है तुम्हें? हाँ बहुत महंगी है, 438 रुपए की ये दवाई है। ये हाँ एक पैकेट जो है ना 438 रुपए का है। अब ये पता है कितने 438 का ये हो गया, सेम है क्या? नहीं फर्क है, 380 की ये है। इतनी महंगी है? हाँ ये डब्बा। और ये सीरप पता नहीं कितने की है, 70 रुपए की ये सीरप है, एक काम 70 की 50 है। सही, ये सीरप दिया पता नहीं ये कितने। और फीस भी तो ली थी ना डॉक्टर ने? हाँ 200 रुपए तो डॉक्टर ने फीस ली, और ये गोलियां भी हैं उसकी। तो ये आरएफ की दवाई है। हाँ। आरएफ की दवाई है, रात को जो सोता है ना उसको सांस होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे तो देख के उस बेचारे का बहुत ही रोना आ रहा होता है, सांस नहीं ले पा रहा होता वो। हाँ? सांस लेने में उसको मुश्किल होती है, नहीं ले पाता। तो बेटा अल्लाह में एक जाने मुश्किल है, आसान करेगा अल्लाह ताला से, बस ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह। हमारा घर जो है ना बुरी नजरों का शिकार हो गया, पता नहीं अल्लाह किसी की नजर लग गई है क्या हो गया, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो पता है सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम से पानी में मसला, पानी में मसला, फिर तुम्हें पता है नमाज हमारी सारी खत्म हो गई, पानी गंदा हो गया, पानी के लिए तरस गए घूम घूम के लिए। तो अभी पानी का मसला हल किया है, तो अभी जैसे कि तबीयत मेरी खराब हो गई है,